नमस्कार, मेरा नाम मनदीप पूनिया है। मेरे साथ नवदीप कौर हैं जो पिछले 1.5 महीने से करनाल जेल में थी। कल उनको रिहा किया गया है, यानी कि 26 फरवरी को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उनको जमानत दी है। आज हम इनसे बात करेंगे कि जो इनका पूरा इनको जेल में क्यों डाला गया, कि पूरा जो इंसिडेंट था, और इस बीच उनको पुलिस ने कैसा बर्ताव किया, और बाहर जो परिवार था उन्होंने इनकी रिहाई के लिए कैसे क्या क्या किया, वो सारी बातें हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि 12 जनवरी को आपकी गिरफ्तारी होती है, तो उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि पुलिस आपको गिरफ्तार करती है? क्या घटना हुई थी उस दिन, वो आप बता पाएंगे? जी, 12 जनवरी वाले दिन जैसे हम लोग हमेशा मजदूरों की हेल्प के लिए हमेशा धरने के रूप में हम लोग जाते रहे थे वेतन दिलाने के लिए। तो उस दिन भी हम लोग मजदूरों का वेतन दिलाने के लिए काफी मजदूर इकट्ठा होकर गए थे। और कौन जो सी जगह, ये कौन सी? ये सिंधु बॉर्डर पे जो इंडस्ट्रियल एरिया है, कुंडली बॉर्डर, कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया, वहां पे जो कंपनियां हैं उसके अंदर 12 तारीख वाले दिन दो तीन कंपनी में पहले हम लोग गए। उसमें एक मालिक ने ये बोला कि हम लोग सुबह सुबह 1 घंटे बाद पैसे दे देंगे, एक ने बोला कि शाम तक हम लोग पैसे दे देंगे। लेकिन हम लोग जब एक तीसरी कंपनी में जाते हैं तो हम लोग शांतमय तरीके से बैठते हैं वहां पर जाकर, आधा घंटा तक हम वहां पर जाकर बैठते हैं और अनाउंस करते हैं कि कंपनी मालिक है जो जो मजदूरों के लॉकडाउन के पहले के पैसे रह रहे हैं वो पैसे दे। लेकिन कंपनी मालिक आगे से मतलब कंपनी को बंद करके बैठ जाता है। तो आधे घंटे के बाद पुलिस आती है और महिलाओं को मारना शुरू करती है। मुझे मेरे गले में हाथ डाला गया और मुझे खींच के बाहर निकालने की कोशिश की गई। तो उन्होंने हवाई फायरिंग भी की। तो उसके बाद मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है और मुझे सोनीपत में लेके जाया जाता है। वहां पे मतलब सारा कुछ करने के बाद मारपिटाई करते हैं, फिर मुझे वहां पे करनाल जेल में छोड़ दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो जब आपकी गिरफ्तारी होती है तो पुलिस आपसे कैसा बर्ताव कर रही थी, और उस दिन क्या आपके साथ मारपीट कुछ हुई, और लोकअप हवालात के अंदर भी? हाँ जी, जब मुझे पकड़ा गया तब से लेकर जेल के अंदर बंद होने तक मुझे मारा गया। जब मुझे पकड़ा गया तो उनके साथ कोई भी फीमेल मतलब फीमेल लेडीज पुलिस नहीं थी उनके पास कोई भी। तो जेंट्स पुलिस आते हैं, मुझे क्या मारते पीटते हैं और बालों से पकड़ कर घसीटते हुए मुझे लेके गए। और जब मुझे पकड़ा गया तो इंडस्ट्रियल एरिया में काफी दूर जगह सुनसान रास्ते पे खड़ी करके गाड़ी मुझे वहां पे पीटा जाता है। फिर मुझे कुंडली थाने में जाकर पीटा जाता है। और महिलाओं ने नहीं पीटा मुझे, जेंट्स पुलिस ने पीटा, वो भी ऊपर बैठ बैठ के पीटा गया। और साइन करवाने की जबरदस्ती कोशिश की गई और कोशिश की गई कि मैं सबको सबके नाम लेकर उनको फंसाऊं। लेकिन मैं मतलब जितने भी सारे मजदूर थे मैं बहुत कम लोगों को जानती थी। लेकिन फिर उसके बाद क्या है, जब मुझे बहुत बुरे तरीके से मार रहे थे तो काफी लोग थे जो मेरी रिहाई के लिए उस दिन आए छुड़ाने के लिए। तो जो पुलिस है उन्होंने उनको लाठीचार्ज करके उनको पीछे किया। तो फिर मुझे सोनीपत लेके जाया गया थाने में। तो वहां पर भी मतलब बहुत बुरे तरीके से मुझे मारा पीटा गया। फिर मुझे मतलब रात को 12 बजे करनाल जेल में छोड़ के आए। आप किसी संगठन से जुड़े हुए हो? अगर सर जुड़े हुए तो उससे कैसे जुड़े? क्या आप वहां पर कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर काम करते हैं, तो उन सब के बारे में भी लोग जानना चाह रहे हैं कि ये जो मजदूरों का प्रदर्शन था इसमें आप कैसे जुड़े हुए? जी, मैं सितंबर महीने में जब यहाँ पे आई थी तो मैंने मतलब कंपनी में काम करना शुरू किया था। वहां पर मजदूर अधिकार संगठन नाम का एक संगठन जो काम कर रहा था 3 साल से, तो मैंने उसको ज्वाइन किया। तो वहां पर मैं फिर काम करने लगी उसके साथ। नौवीं बात, लोगों से सब लोग जानना चाह रहे हैं कि आप लोग किसान आंदोलन से कैसे जुड़े हुए थे? किसान आंदोलन से हम लोग इसलिए जुड़े क्योंकि हम लोग जो किसानों की मांगों को बिल्कुल जायज मानते हुए उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। जब किसान आंदोलन सिंधु बॉर्डर पे आता है तो हम लोग जो सारे मजदूर इकट्ठा होके उनकी सपोर्ट के लिए जाते रहे हैं। और हम लोगों ने 1 दिसंबर को सारे मजदूरों ने इकट्ठा होके हड़ताल की, अपने काम की एक दिन छुट्टी की। और 2000 से ज्यादा मजदूर थे उस दिन इकट्ठा हुए और हड़ताल करके हम लोग रैली करते हुए, एक मार्च करते हुए माइक के वहां पे स्टेज के पास गए। और मैंने मजदूर अधिकार संगठन की तरफ से अपनी उस दिन बात भी रखी थी। और हम लोग इसलिए भी सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि देखिये जो इन्होंने एक कानून बनाया है कि जो स्टॉक स्टॉक करने की लिमिट है उसको हटा बढ़ा दिया दिया गया। हटा दिया गया है कि आप कितनी भी ज्यादा तरीके से आप स्टॉक कर सकते हो, उसे कोई लिमिट नहीं है। तो ये सीधा सीधा प्रभाव है जो मजदूरों पे पड़ रहा है।
जैसे किसानों से वो फसल खरीदते हैं तो वो मार्केट में मजदूरों को भी मिलेगी, क्योंकि अगर 5 रुपए किलो आलू वो मजदूरों से किसानों से खरीद रहे हैं तो 40 से 50 रुपए किलो वो मजदूरों को दिए जाते हैं। तो सीधा सीधा प्रभाव है ये कि मजदूरों पर भी पड़ेगा। तो लगातार जो महंगाई बढ़ रही है उससे मजदूरों को नुकसान होगा। तो मजदूर इस बात को समझते हुए तो वो किसानों के सपोर्ट में आते हैं, लगातार हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी हम लोग सपोर्ट ऐसे करते रहेंगे। नोदी, आपके ऊपर एक FIR 28 दिसंबर की है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या 12 जनवरी से पहले भी आप मजदूर लोग जाते रहे हैं अपने वेतन के लिए प्रदर्शन करने? हाँ जी, उससे पहले भी हम लोग लगातार जो मजदूरों की हेल्प के लिए लगातार जाते रहे हैं, क्योंकि जो लॉकडाउन के पहले का पैसा मजदूरों का कंपनी में फंसा हुआ है उसके लिए हम लोग पहले भी शांतमय तरीके से धरने के रूप से ऐसे मजदूरों को पैसे दिलाते रहे हैं। 300 से ज्यादा मजदूरों को मतलब 5 लाख के करीब पैसे दिला चुके हैं। 28 दिसंबर की जो घटना है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर एक दिन हम लोग 28 दिसंबर हम लोग वहाँ पे एक मैगी की कंपनी थी वहां पर हम लोग गए थे मजदूरों को पैसे दिलाने के लिए। तो वहां पे जो क्विक रिस्पॉन्स टीम आती है मजदूरों पे दोनों तरफ से हमला करने की कोशिश की, उन्होंने हमला भी किया और उन्होंने फायरिंग भी की। तो उस दिन जब हम लोग उसकी फायरिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए वहां पे थाने में जाते हैं कि हमारी जो फायरिंग की रिपोर्ट दर्ज की जाए, तो वो रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है। तो हम लोगों ने फिर SP को लेटर भी लिखा, ईमेल भी किया कि जो फायरिंग की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही तो उसकी कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो हम लोग लगातार पहले से भी मतलब मजदूरों की ऐसे हेल्प कर रहे थे। तो ये जो आप बार बार बोल रहे हैं QRT क्विक रिस्पॉन्स टीम, ये क्या चीज है और ये क्या करते हैं? क्या ये पहले भी मतलब जो यूनियन है, मजदूर यूनियन है, उनको तंग करते रहे? हाँ जी बिल्कुल, ये क्विक रिस्पॉन्स नाम की एक टीम है जो किया नाम से, कुंडली इंडस्ट्री एरिया नाम से ये जानी जाती है, जो अपने आप को ये बोलते हैं कि हम लोग पेट्रोलियम करने के लिए हैं, जो रात के टाइम मजदूरों की सेफ्टी के लिए है। हालांकि ऐसा नहीं है, हम लोग जैसे पहले भी 3 साल पहले से ही जो मजदूर संगठन है यहाँ पे काम कर रहा है, जैसे वो मजदूरों को पर्चा बांटने के लिए जाता है या मजदूरों से बातचीत करने के लिए जाता है या कोई मांग उठाने की कोशिश करता है, तो ये मतलब कुंडली में जो किया नाम की जो कंपनी वाले जो गुंडे हैं वो लगातार से जो मजदूर संगठन पे हमला करते रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश की जाती है। मतलब पर्चा बांटने तक की भी वहाँ पे आजादी नहीं है, जो उनको मतलब महीना या हफ्ता वो देते हैं जो कंपनी वाले उनको, क्योंकि जो वहाँ पे जो संगठन है उनको दबाने की कोशिश की जाती है, मजदूरों की दबाने की कोशिश की जाती है। तो ये यही काम करती है कि मजदूरों को खड़ा होने ना दिया जाए, तो ये पहले से ही मजदूर संगठन के खिलाफ काम कर रही है। तो जेल में नवदीप कौर का क्या एक्सपीरियंस था? देखिए, जब मैं जेल में गई तो मैंने मतलब और भी महिलाओं से बातचीत की, जब मैंने बताया कि मैं ऐसी कुंडली पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया और कुंडली पुलिस ने मेरे साथ ऐसी बदतमीजी की है, जाति के नाम पर मुझे गालियां दी गई और बुरे तरीके से मारा गया, प्राइवेट पार्ट पे भी चोट मारी गई। तो जब मैंने वहाँ पे ये बात की तो वहाँ की जो महिलाओं ने बताया तो वो उनके लिए वो बहुत आम था, क्योंकि वहाँ पर जो ऐसी महिलाएं मुझे मिली जिनका रेप भी किया गया, जिनको बहुत बुरे तरीके से मारा भी गया, 10-10, 15-15 दिन का रिमांड भी लिया गया, और वो भी लेडीज पुलिस ने जेंट्स पुलिस द्वारा रिमांड किया गया बहुत बुरे तरीके से। किसी किसी महिलाओं का अभी भी हाथ पैर इतने टूटे हुए हैं कि वो अभी तक सीधे नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि आज हमारी जो पुलिस है उसका औरतों को लेकर और जो अनुसूचित जातियां हैं, जो दलित समाज है, उसके लेकर कितना कैसा नजरिया है, तो ये बहुत बड़ा सवाल बनता है औरतों को लेकर। आपको पता चल गया था कि आपके जो दूसरे साथी हैं शिव कुमार, जो मजदूर अधिकार संगठन के प्रेसिडेंट, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया? जब मैं जेल से बाहर आई तो मुझे पता चला कि जो शिव कुमार है उसको 16 दिसंबर को ही अरेस्ट कर लिया गया था। तो 8-10 दिन तो शायद उसको गलत तरीके से रखा गया, मतलब किसी को कुछ भी नहीं पता था, उसको पुलिस ने उठाया और किसी को भी नहीं पता चला कि वो किस कहाँ है, वो कहाँ नहीं है। और 10 दिन के बाद उन्होंने जब कोर्ट में पेश किया और दोबारा से 10 दिन का रिमांड लिया, मतलब 20 दिन के करीब उसको बहुत बुरे तरीके से मारा गया और जेल में उसको फेंक दिया गया। लेकिन अभी देखा जाए तो जो शिव कुमार की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, उसको बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, उसकी हड्डियाँ तक टूट गई हैं।
तो उसके बारे में भी मतलब सवाल होना चाहिए कि ऐसे पुलिस किसी को भी ऐसे हाथ नहीं डाल सकती है बिना प्रूफ के, बिना जानकारी के और बिना वारंट के किसी को ऐसे पकड़ना बहुत बड़ा गैर कानूनी जुर्म बनता है। अगर आज हम लोग यहाँ पे बाहर आई हूँ मैं या शिव कुमार की थोड़ी बहुत आवाज उठ रही है और आगे भी उठेगी तो ये जनता की वजह से हो रहा है, तो ये गैर कानूनी है पुलिस का इस तरीके से हिरासत में लेना और उसको मारपीट के हड्डियां तोड़ के उसको जेल में डालना और किसी को शो भी नहीं होने देना कि भाई पुलिस हिरासत में है, तो ये भी बहुत बड़ा सवाल बनता है पुलिस के लिए। नवदीप आप खुद जेल में रहकर आई हैं, आपके साथी शिव कुमार जेल में हैं, बहुत सारे किसान तिहाड़ जेल में बंद हैं, क्या नवदीप और उनकी भी आवाज बनेगी? जी बिल्कुल, जैसे आज मैं जेल का एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जैसे मैं बेकसूर जनता की आवाज बन रही थी तो मैं बेकसूर जेल में डाली गई हूँ, तो बहुत सारे जो किसान कार्यकर्ता है, मजदूर कार्यकर्ता है, पत्रकार है, बहुत सारी महिलाएं हैं जो जनता की आवाज उठाते उठाते अभी जेल में उनको बंद कर दिया गया है, तो मैं उनके भी रिहाई की मांग करती हूँ, तुरंत उनको रिहा कर देना चाहिए। सभी लोग जानना चाह रहे हैं कि नवदीप कौर कौन है, कहाँ से है, किस परिवार से आती है और परिवार के लोग क्या काम करते हैं, तो वो आप थोड़ा सा बताइए। मैं पंजाब से हूँ, पंजाब में एक मुक्तसर साहिब डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक छोटा सा गांव है गंदड़, में वहाँ के रहने वाली हूँ और मैं मजदूर फैमिली से बिलोंग करती हूँ क्योंकि जो हमारा परिवार है वो एक मजदूर फैमिली है और मैंने बचपन से लेकर आज तक जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वही है कि जो मजदूरों को हर जगह पे मतलब लड़ना पड़ता है। मैं जब बचपन से लेके पहली जमात से 12 क्लास तक अभी तक मैंने की थी तो उसमें भी मेरा बहुत स्ट्रगल रहा है, मेरी पूरी फैमिली का बहुत स्ट्रगल रहा है, तो खाने को लेकर, पढ़ाई को लेकर या खेतों में काम करने को लेकर हर जगह पे मतलब अपने हकों के लिए या अपनी बात रखने के लिए लड़ना पड़ता था, संघर्ष करना पड़ता था। तो अब फिर 12 करने के बाद मेरा काफी लंबा गैप रहा है क्योंकि जो हमारी जो हमारे परिवार की जो कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मुझे बीच में 4-5 साल का गैप देना पड़ा, फिर जाके मैंने खालसा कॉलेज में अप्लाई किया तो फिर लॉकडाउन हो गया तो फिर मैं नहीं पढ़ पाई आगे। तो यही है कि मैं मतलब फैमिली बैकग्राउंड ही हमारा ऐसा था कि मैंने अपनी मम्मी से सीखा, मेरी मम्मी भी लगातार महिलाओं को लेकर बोलते रहे हैं, जब मेरी बड़ी बहन है, छोटी बहन है, तो सारे ही लगातार महिलाओं को लेकर, मजदूरों को लेकर एक्टिव रहे हैं, तो उन्हीं को देखते हुए मैं ऐसे मजदूरों की आवाज बनने लगी, मजदूरों के लिए बोलने लगी या महिलाओं के लिए बोलने लगी, तो ये हमारी फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल रहा है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ या मजदूरों के लिए बोल पा रही हूँ। तो क्या अभी भी नवदीप कौर मजदूरों के बीच जाएंगे और मजदूरों की बात करती रहेंगी? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं पहले जैसी नवदीप हूँ, आज मैं वही नवदीप हूँ जैसे जो मैं पहले थी, और अब मैं बहुत अच्छे तरीके से और भी अच्छे जोश के साथ काम करूंगी क्योंकि पहले भी हम लोग कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे थे, पहले भी हम लोग कानूनी दायरे में रहकर जो संविधान ने हम लोग मान्यता दी है कि अगर आपको कोई चीज मंजूर नहीं है तो आप धरना प्रदर्शन कर सकते, तो उसी तरीके से हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे और आगे भी मजदूरों की, किसानों की और महिलाओं की आवाज बनते रहेंगे और आगे भी हम लोग ऐसे काम करते रहेंगे।